मेरा नाम अब्दुल बिहारी है, ग्राम रामपुरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया है तो कितना आपके लिए फायदेमंद है? हमको सब फायदा ही बंद है इसके, आने जाने में आराम। जैसे बुंदेलखंड जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे तो यहाँ से बैठो, सवेरे बैठो, शाम को वापसी घर है। तो इस बुंदेलखंड से आप काफ़ी कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, जाऊँ तो खुश हैं, जाऊँ तो खुश, दोनों तो खुश हैं। सरकार की इस योजना पे कितना आप संतुष्ट हैं? सरकार को ऐसे भाई, सरकार पे तो संतुष्ट कम है। अच्छा। देखो मतलब जो है, हम लोग बाम काम कर रहे हैं, हम लोगों की तनख्वाह भी नहीं आ रही है, हैं, एक साल हो गई, बताओ अब क्या करें हमें, बाल बच्चे का ही तो पल हैं। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, आप यहाँ खेतों में धान की पौध रोप रहे हैं और आपके खेत के तरफ से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस से निकल रहा है जिसका आज उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं जी। इससे आपको और आपके क्षेत्रों को क्या फायदा मिलेगा? बढ़िया मिले, फायदा खूब। जैसे कि क्या फायदा पहुँचेगा? अरे सब, जैसे कोई सामान हट्टा है दल ले जाने हैं चित्रकूट या कहीं, तो जा सकते हैं। अच्छा हाँ। और जैसे कि और सुविधा, निजी सुविधा है, कोई चीज़ है, कोई जाने हैं आने हैं, हाँ आँखें बनवाने हैं चित्रकूट, आँखें वगैरह। हाँ तो आप जाते होंगे चित्रकूट? हम अभी तक नहीं गए कभी। ना ना, जाते हैं लोग, जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं। लेकिन अब ज़्यादा सब फायदा हो, अब जा गाड़ी ही मिल जाओ करे, गाड़ी यहाँ मिल जाया करे जी। तो सीधा यहाँ से आप लोग चित्रकूट पहुँच जाया करें जी। यहाँ से कितना समय लगेगा चित्रकूट पहुँचने में? करीबन 4-5 घंटा। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, भरतिया कोठी पर। आपके क्षेत्र से आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन होने जा रहा जी, है जी जी जी। तो इस एक्सप्रेस वे से अपने क्षेत्र को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? सर क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हर आदमी को इससे लाभ है, आने जाने का और हर तरीके का ही लाभ है। कहीं जैसे बुंदेलखंड तो अब घर हो गया है, चाहे आप झांसी जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, जहाँ भी जाना है यहाँ से जाने के लिए यातायात का भी साधन है। प्लस क्षेत्र में औद्योगिक, जैसे कोई कंपनी या कुछ भी उद्योग के लिए भी हम लोगों को इससे आगे रोजगार का भी आराम हो सकता है, डेवलपमेंट इससे ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। किस गांव में रहते हैं? चित्तरपुरा। ये आपके गांव के पास से निकलने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है आज इसका उद्घाटन है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र को फायदा तो, विकास तो था, लेकिन साहब यहाँ कट ना होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा विकास नहीं मिल पाएगा, जो यहाँ कट नहीं है। अच्छा, कट नहीं है। हाँ। कट तो यहाँ के लोग कहाँ पर जाके चढ़ेंगे? चढ़ेंगे सौरक चढ़ेंगे या चौपला चढ़ेंगे, उनको यहाँ से कोई लाभ तो खास नहीं हुआ है। जो लोगों को मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिला, जबकि गोल चक्कर हुआ, यहाँ के लोगों की ज़मीनें भी गईं और उसके बाद भी यहाँ के लोगों को कोई खास लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि कट हो जाता तो लोग यहाँ धंधा। क्या चाहते हैं? हम लोग तो सब, मतलब सारे लोग चाहते थे और कोशिश प्रयास भी किया कि यहाँ कट होना चाहिए, जो जिससे हमें छोटा बताया गया। इटावा इस एक्सप्रेस वे पर बुंदेलखंड में अगर सबसे ज़्यादा कट अगर दिए गए तो इटावा में ही 2 कट दिए गए हैं, नहीं सभी जिलों में 1-1 कट है। यहाँ पर आप चौपला से चढ़ सकते हैं और आगे बताया बरसना के पास में भी इसका कट बनाया गया के पास बनाया गया है। तो अगर यहाँ कट नहीं है तो क्या दिक्कत है? 2 कट तो यही अपने जनपद। अरे नहीं, गोल चक्कर पर कट होना चाहिए था। यहाँ से लोग चढ़ते, जैसे यहाँ लोग चढ़ जाते, उन्हें लखनऊ भी जाना है, कानपुर लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है या बुंदेलखंड जाना है, तो यहाँ से चढ़ जाते, यहाँ से उतर जाते लोग, तो लोगों को सुविधा होती। कट चाहते थे, कहने का मतलब भाई लोगों को यहाँ सुविधा थी। यहाँ जब 4 रोडों के मिलने का संगम हो रहा था, फिर तो मतलब जब कटना हुआ तो लोगों को तो लोगों को लाभ नहीं रहा ना, यहाँ से कोई उतरेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। अगर यहाँ हो जाता तो लोगों को रोजगार चलता, कोई दुकान कर लेता, कोई कुछ कर लेता, तो उससे उसका रोजी रोटी चलती। क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप ये बताएं कि आप कौन से गांव में रहती हैं? जुगराजपुर। आज यहाँ आपके गांव के पास से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा विकास लग रहा है साहब, सब बाबू जी सब, हम लोग भी देखने के ताई आए हैं। अच्छा आप भी यहाँ देखने के लिए आई हुई है बुंदेलखंड? तो इस एक्सप्रेस वे के निकलने से क्या फायदा मिलेगा आपके क्षेत्र को? जो फायदा है कि जो आदमी कम काम को जाते हैं, धंधे को जाते हैं, तो यहाँ से गाड़ी भी मिल जाती है, बैठ के चले जाते हैं और आने को भी फायदा है, टाइम से अपने घर आ जाते हैं। अच्छा क्या लगता है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उनको क्या फायदा पहुँचेगा? जे अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो लड़का बच्चा है पढ़ लिख लेंगे तो अपने धंधा पानी करेंगे, इसमें और क्या करेंगे।